नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। लांजी, आमरण अनशन पर बैठे उप सरपंच का जनपद सीओ ने तोड़वाया अनशन। पूर्व सरपंच और नाले निर्माण में दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी मांग। जिला पंचायत सीओ ने दूरभाष पर दिया 15 दिनों में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। लांजी जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसोनी के उप सरपंच पवन कश्यप द्वारा जारी आमरण अनशन को आज दूसरे दिन जनपद सीओ लांजी शफी मोहम्मद कुरैशी द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर तोड़वा दिया गया है। इस संबंध में जानकारी से अवगत कराते हुए सीओ श्री कुरैशी ने बताया कि उप सरपंच पवन कश्यप की मांगों को लेकर उनके द्वारा एक प्रतिवेदन बनाकर जिला पंचायत बालाघाट भिजवा दिया गया है और जिला मुख्यालय से जांच टीम गठित कर उक्त मामले की जांच कराई जाएगी। जैसे कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच बिछोनी ग्राम के उप सरपंच पवन कश्यप अनशन पे बैठे थे, आज आपने उनका अनशन भी तोड़वाया है, तो क्या कुछ मांगे थी और क्या कुछ निराकरण हो रहे हैं इसमें? इसमें पवन भाई ने जो स्ट्राइक की है, आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 2 साल पहले शायद कोई पैसा पंचायत का निकला था, उसका काम उस समय नहीं हो पाया था, उसकी मांग थी उनकी। वो मांग को अब मैं सीओ जिला पंचायत सर के पास पहुँचाया है और उनसे भी अनुरोध किया है कि उसकी जाँच करा के और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करने के लिए आप से आदेश हो। तो जिला पंचायत से टीम आके जांच करेगी? जी हाँ, जिला पंचायत। कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी सर? शायद अभी पवन भाई से बात हुई है, उन्होंने समय को दिया है इनको, मेरे पास तो समय की बात नहीं आई है, लेकिन आप लोगों की बात हो गई है, लेकिन जल्द से जल्द हो जाएगी, जल्द से जल्द काम को प्रयास। जैसे कि आप आमरण अनशन पे बैठे थे, आज आपने अपना अनशन तोड़ चुके हैं जी। ये मतलब किन कैसे मतलब क्यों आपने मामला अनशन पर बैठे थे और क्या बात हुई अब? ये हमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत सर 2022 में नाली स्वीकृत हुई थी, जिसका कार्य ना कराते हुए उसमें से लगभग 3 लाख रुपए इनके द्वारा निकाले गए थे और उसका कार्य अभी इनके द्वारा किया जा रहा है 2024 में, जिसको लेकर के मेरे द्वारा अनशन पर बैठा गया था। हाँ। और जिस पर माननीय सीओ महोदय ने लेटर जारी किए हैं कि हमने टीम बना दी है, टीम बनाने के लिए जिले में लेटर भेजे हैं और मेरी जिला सीओ से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि 15 दिन के अंदर पूरी जांच कंप्लीट होकर के और उसमें जो दोषी पाया जाता है उस पर मामला पंजीबद्ध होगा। अगर तो जिला पंचायत सीओ से बात होने के बाद आप संतुष्ट हो गए? हाँ, संतुष्ट हो गया। सीओ साहब स्वयं आए हैं यहाँ पर और उन्होंने जूस पिला करके हमारा। लांजी से खबर समय जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.